गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसकी हम वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इस वर्कशीट के लिए हम अभ्यास कार्य नंबर फर्स्ट से ही लेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है हमारी, सिर्फ अभ्यास कार्य फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की ही बनेगी, और बाकी बचा हुआ अभ्यास कार्य हम वर्कशीट नंबर दो में लेंगे। इसलिए हम हमारी पहली वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पाठ है हमारा पहला ग्राम्य जीवनम। तो हम ग्राम्य जीवनम की एक्सरसाइज फर्स्ट ले रहे हैं, इसको हम समझते हुए इस वर्कशीट को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा निम्न प्रश्नानाम उत्तराणाम उचितम विकल्पम चिनुत। हिंदी अर्थ है इसका, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। यहाँ तीन विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है कि राइट आंसर कौन सा है। यदि आपने छात्रों इस पाठ को ठीक से पढ़ा होगा और समझा होगा, तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। क्योंकि हमने लगभग 3 से 4 बार हम यह पाठ पढ़ चुके हैं, तो आपको अब कोई परेशानी नहीं हो सकती है इनके आंसर देने में। तो शुरू करते हैं प्रश्न का। मातु श्रेयस्य मातुलः कुत्र वस्ति। हिंदी अर्थ है इसका, श्रेयस के मामा कहाँ रहते हैं। यदि हम ऐसा कहते हैं वस्ति रहता है, तो यानी यह आदर सूचक शब्द होने से हम ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, श्रेयस का मामा कहाँ रहता है। विदेशे विदेश में, ग्रामे गांव में, नगरे नगर में। तो हमारे पाठ के अनुसार इसका राइट आंसर है ग्रामे गांव में, श्रेयस का मामा गांव में रहता है। ख सह किम करोति, वह क्या करता है। तो यहाँ पे सह किसके लिए आया है, यह सह सर्वनाम शब्द का प्रयोग, यानी श्रेयस के मामा के लिए। तो वह क्या करता है, कृषि कार्य खेती का कार्य, अध्यापनम अध्यापन, या आविष्कारम आविष्कार। तो हमने पढ़ा है पाठ में कि वह खेती का कार्य करता है, तो कृषि कार्यम इसका राइट आंसर होगा। ग कह ग्रामम द्रष्टुम इच्छति, कौन गांव को देखना चाहता है। तो श्रेयस है श्रेयस, मातुलः मामा, या मयंक है मयंक। तो हमने पाठ में पढ़ा है श्रेयस और मयंक, इन दोनों की वार्तालाप होती है, जिसमें श्रेयस के मामा का गांव होता है और मयंक उसको देखने जाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा मयंक। घ रेल यानम रात्रों कति वादने गच्छति, रेल रात्रि में कितनी बजे जाती हैं। 9 वादने 9 बजे, 10 वादने 10 बजे, 9:30 वादने 9:30 बजे। तो राइट आंसर है हमारा 9 वादने 9 बजे। ग्रहस्य पार्श्वे किम शोभन्ते, ग्रहस्य घर के पार्श्वे पास में, किम शोभन्ते क्या शोभित होते हैं, घर के पास में क्या शोभित होते हैं। नारिकेल वृक्षः नारियल के पेड़, आम्र वृक्षः आम के पेड़, कदली वृक्षः केले के पेड़। तो पाठ में हमने पढ़ा है कदली वृक्षः केले के पेड़ है। च कूपस्य जलम कीदृशम अस्ति, कुएं का जल कैसा है। शीतलम ठंडा, उष्णम गर्म, क्षारम खारा। तो कुएं का जल शीतलम ठंडा है। अभ्यास कार्य नंबर सेकंड लेते हैं हम, इसको भी हम इसी प्रकार से समझते हुए हल करेंगे। रेखांकित पदाने आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ रेखांकित शब्द हैं, उसी के आधार पर हमें सिर्फ प्रश्न बनाना है, यानी जो रेखा खींची हुई है जिस शब्द के नीचे, उस शब्द के स्थान पर सिर्फ हमें प्रश्न वाला शब्द लगाना है। क स्वः प्रभृति अवकाशः भविष्यति, इसका हिंदी अर्थ है कल से छुट्टियाँ होगी। तो यहाँ पे आया है कल से क्या होगी, ऐसा बनेगा हमारा प्रश्न। तो क्या के लिए आता है किम, तो हमने लगाया है स्वः प्रभृति किम भविष्यति। हमें सिर्फ रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्न वाला लगाना है, बाकी वापस हमारा जो प्रश्न है पूरा बनेगा स्वः प्रभृति किम भविष्यति, ऐसा हमें पूरा लिखना है। ख च
जनाः कूपस्य जलं पीत्वा आह्लादम् अनुभवन्ति। लोग कुएं का जल पीकर आनंद अनुभव करते हैं। प्रश्न बनेगा हमारा, लोग कुएं का जल पीकर क्या अनुभव करते हैं? और फिर वापिस वही क्या के लिए आएगा, किम। इसलिए आह्लादम के स्थान पर हम लगाएंगे किम। जनाः कूपस्य जलं पीत्वा किम अनुभवन्ति, क्या अनुभव करते हैं। ग शतपत्रीणां शोर्भं नासाग्रं स्पृशति, गुलाब की खुशबू नाक को स्पर्श करती हैं। तो यहाँ आएगी शतपत्री नाम के स्थान पर किसकी खुशबू नाक को स्पर्श करती हैं। तो इसके लिए आता है किसकी, काकी के षष्ठी विभक्ति का शब्द है और यह बहुवचन का है, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का शब्द जो कि सर्वनाम शब्द से बना है, किम सर्वनाम से, वह होगा केशाम। सौरभम नासाग्रह स्पर्शती, किसकी खुशबू नाक को स्पर्श करती हैं। घर मातुलह ग्रामे वस्ती, मामा गांव में रहता है। प्रश्न बनेगा हमारा, मामा कहाँ रहता है। सिर्फ रेखांकित पद के स्थान पर ही बनाना है, इसलिए इस स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है। तो कहाँ रहता है, तो कहाँ के लिए आता है कुत्र। मातुलह कुत्र वस्ती, मामा कहाँ रहता है। घर गृहस्य पार्श्वे कदली वृक्षाः सन्ति, घर के पास में केले के पेड़ हैं। कदली वृक्षाः बहुवचन है, तो क्या है और क्या के लिए। कदली वृक्षाः पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पर आएगा किम के, किम को के। तो के जो है वह बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति का, किम सर्वनाम का बहुवचन लगाएंगे प्रथमा विभक्ति का, तो के बनेगा। गृहस्य पार्श्वे के सन्ति, घर के पास में क्या है। यह थी हमारी एक्सरसाइज नंबर सेकेंड। अब हम एक्सरसाइज नंबर थर्ड लेंगे, जिसको भी हम समझेंगे और हल करेंगे। थर्ड है रिक्त स्थानानि उचित रूपेण पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित रूप से कीजिए। का संगीतम श्रुत्वा अहम आह्लादम। अब यहाँ कोष्टक में उपसर्ग प्लस धातु दी है, अब हम इसका सही रूप इसमें हमें भरना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर्ता को पहचानेंगे और कर्ता पहचान करके हमें उसी पुरुष और उसी वचन की हमें क्रिया का रूप लगाना है। कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एकवचन का है, तो यह जो भी हम क्रिया बनाएंगे इसका रूप बनाएंगे, क्रिया दी हुई है यानी धातु दी है तो इसका रूप बनाना है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष एकवचन का प्रत्यय है आमी, तो यह बनेगा अनुपसर्ग प्लस भू से बनता है भव और आमी लगा दिया तो अनुभवामी। संगीत सुनकर मैं आनंद अनुभव करता हूँ। ख यूयम तेन सह ग्रामम, और धातु है हमारी गम, और गम जो सिर्फ ऋट लकार में ही चलती है, हमें बनाना है इसका लट लकार का रूप। तुम सब उसके साथ गांव जाते हो, तो यहाँ पर यूयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, इसलिए हमें मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया रूप बनाना है। यहाँ पे धातु दी है गम, तो गम से हम बनाएंगे गच्छ से, तो यहाँ पे इसका प्रत्यय चिन्ह है थ, तो ये बन गया गच्छत। ग सह श्वह रेल यानेन प्रस्थानम, अब क्री धातु है, क्री का बनेगा कर धातु से, यहाँ पर हम भविष्यकाल का इसलिए बनाएंगे क्योंकि यह श्वह शब्द आया है और श्वह का अर्थ होता है आने वाला कल, यानी बात भविष्यकाल में हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्री का भविष्यकाल का रूप लगाएंगे। और यह प्रथम पुरुष एकवचन का करता है कि वह कल रेल से प्रस्थान करेगा, तो यहाँ पे आएगा करिष्यति, इसका प्रत्यय चिन्ह है इष्यति और क्रय से कर बनता है, तो करिष्यति, इस प्रकार से हम इसको प्रत्यय चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। घर कदली वृक्षः गृहस्य शोभाम, और वर्ध धातु है और ये कदली वृक्षः बहुवचन है, इसलिए कदली वृक्षः बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन बनाया हमने वर्ध धातु से वर्धयंती। घर उपवनस्य शोभा पुष्पेह, भू धातु है तो उपवन की शोभा फूलों से होती है, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष बनेगा लट लकार का एकवचन भवती, उपवन की शोभा फूलों से होती है। तो आज हमने अभ्यास कार्य नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वर्कशीट तैयार की है, और यह थी हमारी वर्कशीट नंबर फर्स्ट। अब पुनः हम
एक्सरसाइज फोर्थ फिफ्थ और सिक्स के साथ लेकर आएंगे हम वर्कशीट नंबर सेकेंड, और इसको भी इस प्रकार से हम समझते हुए हल करेंगे। यदि छात्रों पूर्व में आपने इन अभ्यास कार्य को नहीं लिख रखा है तो आप वर्कशीट नंबर फर्स्ट सेकेंड लिख करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और आप पार्ट नंबर एक ऐसा पूरा डिटेल से लिखें, और आप यदि चेक नहीं करवाए हो तो प्लीज़ आप चेक भी करवा लें, और इस प्रकार से आप इनका अभ्यास शुरू करें। धन्यवाद।